नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए और साथ में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप साथ साथ सुन रहे हैं हमारे साथ रावण की कथा। महाराज रावण की कथा में अभी तक आप सुन चुके थे कि पहली बार उन्होंने हार का स्वाद चखा था। एक बार नर से अग्निपुत्र अर्जुन से, जिन्हें सहस्त्रबाहु कहा जाता था, दूसरे बानर से, जिनको कहा जाता था बाली। अब रावण को ये तो एहसास हो गया था कि अगर मुझे एक नर, जिससे भले ही मैंने मित्रता कर ली है, अर्जुन, और एक बाली बानर, उससे मैंने मित्रता कर ली है, इसका मतलब कोई और नर और बानर पैदा हो सकते हैं और मेरी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। उनको ये एहसास हो गया था कि मैंने जो वरदान में कमी छोड़ी थी कि नर और बानर से तो मुझे चिंता नहीं, इसके अलावा देव, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी मुझे ना मार सके, तो इसका मतलब ये था कि मेरा ये वरदान में अब कमी रह गई। माता से डिस्कस किया, केकसी माता से, कि माता क्या करें, मुझे लगता है इस वरदान में कमी रह गई। माता ने कहा, एक काम कर, अपने इष्ट भगवान शंकर को प्रसन्न कर ले और उनको श्रीलंका लिया। जब भगवान हमारे साथ साक्षात यहाँ रहेंगे, हमारी नगरी की रक्षा करेंगे, तो तू अजय होगा, फिर जो तू चाहे वो कर सकता है। रावण ने भगवान शंकर का अखंड तप शुरू कर दिया। इतना तप कि उसने अपना एक एक सिर यज्ञ में आहुति कर दिया। 10वें सिर की आहुति जैसे ही वो करने वाला था, तभी भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, पुत्र क्या चाहिए? जो वरदान चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तब रावण ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, वो है आप मेरे साथ स्वयं चलें। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन तुमने मेरी लिंग रूप में पूजा की है, ज्योतिर्लिंग में पूजा की है, तो शिवलिंग के रूप में मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आज मैं तुम्हें शिवलिंग का भी असर अपने भक्तों को, अपने साथियों को, भगवान के भक्तों को बता दूँ। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ये आप ज्योति देख रहे हैं, ज्योति, इस ज्योति में जो ज्योति है, ये ज्योति लिंग है, ज्योतिर्लिंग स्वरूप, ठीक है। इस ज्योतिर्लिंग को ही शिवलिंग कहा जाता है। अब इसे जंगल में, अगर वन में आप ऐसी ज्योति जला लो तो हवा से हिलेगी, वर्षा से बुझ जाएगी, जल से बुझ जाएगी। तो इस ज्योति स्वरूप का, ये ज्योति है, इस ज्योति स्वरूप का बालू का हम एक आकार बना लेते हैं, हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग। और ये दीपक है, दीपक में ये ज्योति जल रही है। अब आप देखो, ये आपकी ज्योति और ये दीपक, ये शिवलिंग जैसे हो गए। यस, यही शिवलिंग है। जो दीपक का ज्योति स्वरूप है, उसे हम वन में जलाकर, वन में प्रज्वलित कर तपस्या है, तप नहीं कर सकते, खुले में नहीं कर सकते, बरसात में भीग सकता है, बुझ जाएगा। तो एक बालू का हम इस तरह का दीपक नूमी ज्योति बना लेते हैं, ईश्वर का उसमें ध्यान करते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर के चार हाथ नहीं हो सकते, ईश्वर मानव जैसा नहीं हो सकता। तो ईश्वर ने कह रखा है, आप तुमको जिसको जिस रूप में पूजोगे, जिस रूप में मेरा ध्यान करोगे, जिस रूप में मेरी पूजा इबादत करोगे, उस रूप में मैं आपके सामने आ जाऊंगा। तो रावण ने इस ज्योतिर्लिंग के रूप में की थी, जिसे अब हम शिवलिंग कहते हैं। हो गया शिवलिंग पूरा, ये ज्योति और ये पूरा दीपक शिव। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं इस रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा। रावण ने कहा, ठीक है प्रभु मेरे साथ चलो। समय हाहाकार मच गया, कैलाश पर्वत पर गण परेशान हो गए, देवता दुखी हो गए, सब कंफ्यूज हो गए। ऋषि मुनि कहने लगे, अब केवल भगवान शंकर, आदिदेव, महादेव, उन पर तो केवल सबका अधिकार है, सारे भक्तों का अधिकार है, एक रावण का अधिकार, रावण ऐसे ले जाएगा आज उन्हें, आज रावण भगवान शंकर को साथ ले जाएगा, केवल रावण का अधिकार होगा। लेकिन ईश्वर की माया अपरंपार है, वो महादेव हैं, वो आदि ब्रह्मा विष्णु महेशा प्रणवाक्षर ओम के मध्य तीनों एका,
ब्रह्मा विष्णु महेशा जानत अविवेका, प्रणवाक्षर ओम के मध्य तीनों एका। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग नहीं है, लोग कहते हैं, लेकिन वो प्रणवाक्षर ओम के मध्य एक हैं। तो इनकी माया तो यही जाने। उन्होंने कहा कि रावण, एक तो मैं तुम्हारे साथ इस पुष्पक विमान में नहीं जाऊंगा, और दूसरा मैं सामान्य कोई ताकत का प्रयोग नहीं करोगे, विशेष शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगे, और सामान्य रूप से मैं जाऊंगा, पैदल लेकर मुझे जाना, ताकि मेरे बहुत से भक्तगण हैं जिनको मेरे दर्शन प्राप्त हो सकें। मुझे अपने भक्तों से बड़ा प्रेम है। तुम मेरे बड़े भक्त हो, लेकिन मेरे और भी भक्त हैं, मुझे सभी भक्त बहुत प्रिय हैं। रावण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो करता हुआ भगवान शंकर को ले चलता है। लेकिन रास्ते में ये क्या, इतना तेज सूर्य होता है कि उसे प्यास लगने लगती है। और थोड़ी दूर देखता है कोई लकड़हारा, एक वनवासी, दाढ़ी वाले बाबा जा रहे, ओ गडरिये इधर आ। रावण ऐसे उनको बुलाता है। वनवासी कहते हैं, नमस्कार राजा, आप राजा लगते हैं, आपने मुझे याद किया, मुझे क्यों पुकारा? रावण कहता है, देख तेरे पास जल का लोटा है, उसमें जल होगा, मुझे थोड़ा जल पिला दे। गडरिया कहता है, वो गडरिया है जो वनवासी हैं, बाबा कहे हैं, बाबा कहते हैं कि मैं जल तुम्हें कैसे पिला दूं रावण, हे राजा मैं तुम्हें जल कैसे पिला दूं, मुझे भी बहुत दूर जाना है और इसमें थोड़ा सा पानी है। रावण कहता है कि जल पिलाना तो बड़ा पुण्य का काम है, फिर मैं राजा हूँ, दस ग्रीब हूँ, और तुम्हें मेरा प्रताप का नहीं पता, ये उपकार मैं नहीं भूलूंगा, और मैं तेरा जो तू चाहे तुझे दे दूंगा। तो उसने कहा, उससे कुछ नहीं होता, अभी आपको जल चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और चूंकि तुम्हारे हाथ में शंभू है, शिवलिंग है, तो मैं तुम्हें जल देता हूँ। रावण वो जल पीने लगते हैं, और उस कमंडल का, उस लोटे का जल समाप्त नहीं होता, और राजा पूरे तृप्त, रावण तृप्त हो जाते हैं, आ ही जा रहा है जरा। रावण फिर शिवलिंग को लेकर चल पड़ते हैं। फिर थोड़ी दूर चले होते हैं, अब उन्हें लघु शंका आने लगती है, क्योंकि पानी बहुत पी लिया था। फिर देखा कैसे करें, अब तो लघु शंका आ रही है, कैसे करें। देखा फिर वही बाबा जा रहे हैं, फिर बुलाया, बाबा बाबा 2 मिनट सुनो, शिवलिंग पकड़ लो, मुझे शंका आई है। कौन सी शंका आई है? मुझे लघु शंका आई है, प्लीज पकड़ लो महाराज। तो शिवलिंग पकड़ते हैं, तो लेकिन कहते हैं, देखो तुम जल्दी आना, मैं कमज़ोर ब्राह्मण, कमज़ोर गडरिया हूँ, कमज़ोर वनवासी हूँ, ये मैं थक जाऊँगा, मैं शिवलिंग नीचे रख दूंगा, जल्दी नहीं आए तो, हाँ मैं तुरंत आऊँगा, वरना रख देना, रखना मत, मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैं आ ही जाऊँगा, रखने की नौबत नहीं आएगी। रावण जाकर जब लघु शंका करता, नदी बहने लगती है, और उसकी लघु शंका समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो इतना जल पी गया था कि उसे विसर्जित करने में बहुत समय लग रहा था। दोपहर हो गए, बाबा बोले, राजन जल्दी आओ, राजन मुझसे शिवलिंग थम नहीं रहा है, मुझसे थम नहीं रहा, वो उसको रख देते हैं। रावण आकर बहुत खींचता है, और बहुत जोर लगाता है, गडरियों को उल्टा सीधा कहता है, उन बाबा को उल्टा सीधा कहता है। बाबा कहते हैं, मैं क्या करूं, मैंने पहले ही कहा था शिवलिंग का भार मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तुम आए इतनी देर से। रावण को उठाने की कोशिश करता है, और उसमें गड्ढा पड़ जाता है शिवलिंग में, वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाता है जहाँ शिवलिंग स्थापित हुआ था। उस जगह का नाम है बैजनाथ, और आज भी झारखंड में है, आप दर्शन कर सकते हैं, बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, झारखंड में है। रावण बहुत क्रोधित होता है, राक्षसी रूप में गुस्सा होकर चला जाता है। ये सब भगवान विष्णु की, ओम परमपिता परमेश्वर की कृपा थी। ये भगवान विष्णु परमपिता का परमेश्वर श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, आप लोग लीला उनकी सुन ही चुके हैं। भगवान बरहा भगवान के रूप में आए थे, भगवान नरसिम्हा रूप के आए थे, भगवान ने कश्यप अवतार लिया था, भगवान ने वामन अवतार लिया था, कितने अवतार लिए हैं भगवान ने, और सब में अपने भक्तों का उद्धार किया है। एक बार एक गज था, वो उसको एक मगर ने पैर पकड़ लिया था, तब भगवान रुक्मणी माँ के साथ आकर उसकी रक्षा की थी। भगवान के तो गुण बहुत हैं, अपरंपार हैं, सुदामा जैसे गरीब को भगवान ने त्रिलोकपति बना दिया था। वो भगवान की ही ये माया थी,
क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि रावण ये तू जो मुझे ले जा रहा है इसके पीछे तेरी मनसा गलत है, तू चाहता है कि सब लोग तुझे भगवान कहें और तू जो सिस्टम चलाए उसे लोग जो तू बस केवल तू ही भगवान हो और जो तू व्यवस्था चलाए वो सब मान्य हो, तो प्रकृति की व्यवस्था को भंग करना चाहता था, इसलिए सब उसके साथ भगवान विष्णु ने और गणपति महाराज ने किया था। अब रावण ने कहा कि इससे तो व्यवस्था बहुत खराब हो गई और अब डर तो है। रावण ने फिर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, करोड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह इस बार नहीं चलेगा, इस बार आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो अमरता जैसा हो। तो भगवान के पास कोई चारा नहीं था, उसका तप इतना उग्र हो गया था कि समुद्र अपनी राह बदलने लगा था। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें अमृत देता हूँ और तुम्हारी इस नाभि में स्थापित कर देता हूँ, और ध्यान रखना मैं कुछ नहीं कहूँगा, भगवान शिव स्वरूप कुछ नहीं कहेंगे, जो लेकिन नारायण भगवान उनसे उनको नाराज मत करना, उनको रुष्ट मत करना, उनके पास अग्निबाण है, उस अग्निबाण से ये सूख जाएगा और उनसे तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये अमृत भी तुझे बचा नहीं पाएगा क्योंकि वो आदि है, वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो नारायण है, उन्हीं से सारा जगत बना है, उन्हीं से हम त्रिदेव बनी है और उन्हीं में ही सब समा जाना है, तो उनकी शक्ति सब माया से परे है। रावण ने कहा छोड़ो मुझे विष्णु भगवान से कौन सा पंगा लेना, मैं तो विष्णु भगवान से पंगा ही नहीं लूंगा, ना मैं ललकारूंगा ना वो मेरे उसमें आएंगे। और रावण ने पूरा आयुर्वेद नया लिखा, रावण ने वेदों को दोबारा से लिखा, रावण ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और ज्योतिष, ज्योतिष में जो 12 भाग होते हैं उनको भावों को, जैसे लग्नि क्षय प्रथम द्वितीय तृतीय षष्टम रोग रण शत्रु और सप्तम विवाह अष्टम दुर्घटना नवम भाग्य दसम कर्म का 11वां 12वां मृत्यु का, इसको अपने हिसाब से सेट कर देता था, ग्रहों की चाल अपने अनुकूल चलानी शुरू कर देती थी। फिजिक्स में इतना बड़ा ज्ञान, प्रकाश की व्यवस्था, यातु धान बनाई यानी कि ऐसी सी मशीन जो आजकल हम रोबोट बनाते हैं जो ऑटोमेटिक काम करती थी, उन्होंने ऐसी सेना तैयार की जो बिना खाए चलती थी और जो लोगों को सामने वाली सेना को खाकर अपना आहार कर लेती थी, बीमार नहीं पड़ती थी, राक्षस हुई ऐसी जो उड़ सकती थी, जल में चल सकती थी, थल में चल सकती थी, ऐसी सेना रावण ने तैयार की और रावण ने अपने आप को भगवान कहलाना शुरू कर दिया। एको हम रावण द्वितीयम नास्ति, बस यही सबसे उसका सबसे बड़ा अहंकार का कारण है। और दूसरा वो स्त्रियों में उनकी लोलुपता तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वो स्त्रियों के साथ जबरदस्ती नहीं करते थे क्योंकि उनको श्राप लग चुका था कि अगर किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेंगे तो उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण ने जबरदस्ती तो करना बंद कर दिया, लेकिन जिस भी स्त्री को वो अप्रोच करते थे वो स्त्री उन्हें समर्पण कर देती थी, क्योंकि त्रिलोक को कौन मना करे, त्रिलोकपति को कौन मना करेगा, तो वो रावण की स्थिति थी। तो रावण ने पूरा सिस्टम नया बनाया, उसके यहाँ मृत्यु किसी की नहीं होती थी रावण के यहाँ, क्योंकि काल और यमराज भी उसके बस में थे, नवग्रह उसके अनुसार चलते थे। प्रजा बहुत प्रसन्न थी, रावण अपनी प्रजा का, भाई बहनों का बहुत ख्याल रखता था, शूर्पणखा का पूरे आनंद में थी दंडक वन में। इस तरह रावण ने, ये तो उसकी अच्छाइयाँ थी, वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, प्रखंड विद्वान था, वेदों का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, मंत्र विज्ञान का, लेकिन अवगुण अहंकार कि मैं ही परमेश्वर हूँ अब, और चरित्रहीनता हमारी भाषा में कहेंगे, लेकिन उनका ये कहना कि वो भोगी थे, कामी, और शक्तिशाली व्यक्ति तो भोग करने के लिए ही पैदा होते हैं, उनकी एक मनसा ये भी हो जाती है। बस ये दो गुण, दो दुर्गुण अगर हम रावण के ना लें, बाकी उनके सारे गुण लें, तपस्वी, संघर्ष करता थे, तपस्वी थे, गुणी थे, ज्ञानी थे, प्रखंड विद्वान थे, हर चीज़ का उनको ज्ञान था, जितना इस भौतिक विज्ञान था उतना उनको रसायन विज्ञान का, मंत्र विज्ञान, पराशास्त्र, आत्मा परमात्मा का ध्यान था, सब लोकों का उन्हें ज्ञान था। अब रावण की योजना थी कि समुद्र के पानी को खारे को मीठा कर दें और स्वर्ग तक जाने की व्यवस्था कर दें सह शरीर, क्योंकि स्वर्ग की दूरी इतनी है कि शरीर छोड़ के आत्मा को प्रकाश के जो गति है उससे लाख गुना की स्पीड से चलना पड़ता है, तब अन्य अन्य लोकों में पहुंच पाती है।
रावण का था शरीर चले जाए। तो ये रावण की कहानी थी। अब रावण से आप क्या सीखते हैं ये आपके हाथ में है। देखिएगा, हम इस चैनल पर आपको मंत्रों के बारे में भी बताएंगे, जैसे वैदिक मंत्र होते हैं, बीजक मंत्र होते हैं और साबर मंत्र होते हैं। वैदिक और बीजक मंत्रों के बारे में बताएंगे, उनके लाभ भी बताएंगे। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, आप सत्य स्वरूप हैं, आप प्रकाश स्वरूप हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप हमें बलपूर्वक अपने रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलाइएगा, जिस रास्ते को आप पसंद करते हो उस रास्ते पर चलाइए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुक्मिणम् बंधनान् मृत्युर्मुक्षमाप्तः। हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम करें, और जब मेरी मृत्यु आए तब मुझे जैसे एक पकी ककड़ी होती है और छूट जाती है बिना कष्ट के, इस तरह से शरीर से अलग कर दें। इस शरीर को जब तक मैं रखूँ इसमें दुर्घटना ना हो, बीमारी ना हो, आरोग्य ना हो, आप मुझ पर कृपा रखें। तो महामृत्युंजय मंत्र का इतना प्रभाव है कि आप जाप करें, दुर्घटना नहीं होती, जल्दी से बीमारियां नहीं होती, होती भी तो उनका प्रभाव कम होता है, और हम जब मृत्यु के कष्ट में से बच जाते हैं। मृत्यु का कष्ट बहुत होता है भाइयों। हम तो अस्पताल में काम करते हैं और देखते हैं कितनी मृत्यु, रोज देखते हैं कितने कष्ट में लोग मृत्यु आती है। भगवान सब, तो ये मंत्रों का महिमा है। मंत्र में स्वयं भगवान स्थापित है, उनकी शक्ति स्थापित है। तो रावण की कथा में आगे मृत्यु कैसे हुई, देखो आपको उसके लिए रामायण देखनी होगी, रामायण पढ़नी होगी। रामायण पढ़नी है तो आप रामायण पढ़िएगा, देखनी है तो रामानंद सागर की रचित रामायण आप YouTube पर, तिलक चैनल पर जाके देख सकते हैं। श्री राम का जन्म, उनकी शिक्षा, उनका वनवास, सीता हरण, सबरी का मिलना, हनुमान जी का मिलना, बाली वध, सुग्रीव जी का मिलना, संपाति का, जटायु का, सबका सहयोग, बजरंग बली क्या, तो बजरंग बली की तो शक्ति ही अपरंपार थी। शंकर स्वम केसरी नंदन, भगवान शंकर स्वम केसरी नंदन के रूप में आए थे। तो ये इस तरह से सारे देवी देवता उतर आए थे बानरों के रूप में, और भगवान स्वम केसरी नंदन आए थे। और प्रभुपिता परमेश्वर भगवान विष्णु स्वम श्री राम आए, माँ लक्ष्मी स्वम सीता बनकर आई, लोगों को सबके दर्शन मिले, आनंद मिले। और दसवीं अश्वनी पक्ष की दसवीं तिथि को, अश्वनी माह की दसवीं तिथि को रावण का जन्म हुआ था और दसवीं में उसकी मृत्यु हुई थी। रावण की पूजा भी बहुत जगह लोग होती है, मेरठ में मंदिर है, नोएडा में मंदिर है, दक्षिण भारत में पूजा करते हैं, श्रीलंका में पूजा करते हैं, मध्य प्रदेश में मंदिर है और कानपुर में मंदिर है। कानपुर में तो जो मंदिर है दशानंद जी का, तो दशहरे को ही खुलता है, उसी दिन बंद होता है साल में एक बार। तो उनके गुणों की लोग पूजा भी करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम उनके गुण लें या अगुण लेके अपना विनाश कर लें, ये अपने ऊपर है। मैं बार बस हम तो ये कहेंगे कि ये भी भगवान की लीला है। आगे हम बताएंगे कि भगवान रावण कौन थे, वो भगवान अपने आप को क्यों कहने लगे। ये अहंकार था, ये अहंकार आते ही हम रावण बन जाते हैं, और अहंकार हटते ही हम राम होते हैं, राम के भक्त होते हैं। अहंकार और काम ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। जब भी कभी हम कभी उन्नति की ओर बढ़ें, भगवान हमें उन्नति की तरफ, देखो रावण अपने आप क्या संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन शक्ति तो परमेश्वर की थी और परमेश्वर को ही चैलेंज कर दिया। ये रावण रियल में भगवान के पार्षद थे और उन्हें श्राप लगा था, इसलिए वो राक्षस बने थे। पहले रूप जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में बने थे, दोबारा में कुंभकर्ण और रावण के रूप में ये राक्षस थे, और तृतीय में दक्तवंत और जो हमारा श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की हत्या की थी, शिशुपाल के रूप में थे। तो इस तरह से ये भगवान की लीलाएं होती हैं हमें सिखाने के लिए। अभी हम क्या सीखना है हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे दोबारा वही प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube में कमेंट्स करें कि आपको किस तरह का ज्ञान चाहिए। अगले वीडियो में नई कहानी, नए ज्ञान के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।